भारत में अभी दुलीप ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं, जहां पर इंडिया ए और इंडिया बी के बीच मैच में सरफराज खान का बल्ला गरज गया। मुशीर खान जो कि उनके भाई हैं, उन्होंने सबसे पहले पहली पारी में कमाल के 181 रनों की शानदार पारी खेली और उसके बाद अब सरफराज खान ने भी उन्हीं के नक्शे कदम चलते हुए काफ़ी आक्रामक पारी खेली। हालांकि पारी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंस उन्होंने दिखाया है इस पारी में और इसके साथ ही उन्होंने दिखाया है कि वो जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर वो रन बना सकते हैं। 47 रनों की एक छोटी पर बहुमूल्य पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा ऋषभ पंत की भी बात करेंगे, जिन्होंने तेज तर्रार बल्लेबाजी से अपने जौहर दिखा दिए हैं। इसके अलावा टीम इंडिया में वापसी के संकेत भी दिखा दिए हैं और टीम इंडिया में वापसी उसी धमक से ये करेंगे जिस तरीके से इन्होंने आज से 2-3 साल पहले टेस्ट में किया था। सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया ए और इंडिया बी के बीच अभी मुकाबला चल रहा है, जहां पर मैच काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मोड में खड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं कि सरफराज खान ने 47 रनों की जो पारी खेली उसमें सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने एक ही ओवर में 5 चौके जड़ दिए। वो ओवर था आकाशदीप का और उस ओवर में दूसरी से लेके आखिरी गेंद तक 5 लगातार चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद 47 रनों की पारी पर वो आउट हो गए। इससे पहले उनके भाई मुशीर खान ने भी कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने 181 रन बोर्ड पर लगाए। यानी दोनों भाइयों ने अपना अपना कमाल तो दिखा दिया है इस मैच में, अपना अपना जलवा तो दिखा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरफराज खान जिनकी जगह टेस्ट में अभी हाल ही में तय हुई थी, क्या वो बांग्लादेश में एक बार फिर टेस्ट में वापसी कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जब टीम चुनी जाएगी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दुलीप ट्रॉफी के प्रदर्शन पर भी जरा देखा जाएगा, वहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें दुलीप ट्रॉफी के प्रदर्शन पर भी रखी जाएंगी। अब इसके बाद दूसरी जो सबसे खास बात इस मैच की रही वो ये थी कि ऋषभ पंत ने अपने फॉर्म में वापसी कर ली है। रेड बॉल क्रिकेट में हमने देखा है कि ऋषभ पंत जब रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो अपने अलग ही अंदाज में वो दिखते हैं और सबसे खास बात ये है कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में अपना खेल दिखाया है और ख़ासकर जब से वो इंजर्ड हुए थे उसके बाद से लगातार वो जिस तरीके से खेल दिखा रहे हैं और अब जो दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने 61 रनों की तेज तर्रार पारी 47 गेंदों पर खेली, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ऋषभ पंत अब तैयार हैं रेड बॉल क्रिकेट के चैलेंज के लिए भी। तो अब देखना होगा कि ऋषभ पंत किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और सरफराज खान को जगह मिलेगी या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इस खबर में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।